Hi everyone, welcome to the course of electromagnetic theory. देखिए इस particular video में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस subject electromagnetic theory में basically पढ़ते क्या क्या हैं, क्या उद्देश्य है इस subject को पढ़ने का और इस subject के outcomes क्या क्या हैं. Outcomes में हम ये भी देखेंगे कि इस subject का practical utility क्या है और ये subject gate examination या फिर और भी आप जितने engineering के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आगे जाके या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपीयर होते हैं तो वहाँ पर इसका क्या वेटेज रहने वाला है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा. ठीक है, साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए, जिन्हें हम लोग प्री रिक्विजिट्स कहते हैं. राइट, तो प्री रिक्विजिट्स भी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. राइट, तो देखिए क्या होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट का मतलब. ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग से अगर हम से मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं. राइट, और मोबाइल फ़ोन से हम लोग सिग्नल्स सेंड करते हैं सेंडर से रिसीवर पे, ये सभी को पता ही है. ठीक है, तो जब भी हम किसी को कॉल लगाते हैं ना, तो होता क्या है कि दो पर्टिकुलर स्थानों के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है. एक कहलाता है मेरा सेंडर, ठीक है, और एक मेरा रिसीवर है, या फिर ट्रांसमीटर और रिसीवर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जब भी कोई मेरा ट्रांसमीटर है या सेंडर है मेरा, ठीक है, वो रिसीवर की तरफ कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. राइट, ये आपका इंफॉर्मेशन है. ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर सिग्नल्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स साइमल्टेनियसली बने होते हुए दो चीज़ों से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो मतलब ये इन दोनों चीज़ों से मिलकर बने हैं ऐसा बोल लीजिए, या फिर इन दोनों चीज़ों को रखें अपने साथ. बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज अभी यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, बाकी जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट में एंटर करेंगे वी विल स्विच अपॉन टू दी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और फिर हम वैसे बात करेंगे. तो अभी आप ये समझ लीजिए कि आप सेंडर से कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं रिसीवर पे, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अगर मूव कर रहा है, तो देखिए होता क्या है, ये सिग्नल सेंडर से रिसीवर तक जब जाता है तो बीच में बहुत सारे मीडियम्स को ये क्रॉस करते हुए निकलता है. ठीक है, जैसे अभी आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे में आपके मोबाइल से निकला हुआ सिग्नल हो सकता है मोबाइल से निकलने के बाद आपकी दीवार को टच हो, तो दीवार भी एक मीडियम है, वहां से वो बाहर जाए तो बाहर एयर में जाएगा, सनलाइट में जाएगा, क्लाउड्स में जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह. तो दुनिया भर के मीडियम्स जो हैं वो ये ट्रेवल करते हुए जाएगा और फिर वो जाके रिसीवर पे पहुंचेगा. तो देखिए जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर सिग्नल है, जब वो किसी सेंडर से रिसीवर से जाते समय किसी मीडियम को चेंज करता है, ठीक है ना, जब मीडियम को चेंज करता है, ठीक है, तो मीडियम को चेंज करते समय उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में क्या चेंज आता है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है, क्या वो सिग्नल कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, क्या वो अटैनुएट हो जाता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, क्या चीज ऐसी होती है उस सिग्नल के साथ. तो देखिए ये सब बातें जानना एक कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारा काम ही इसी पर हो रहा है. ठीक है ना, जितने भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, द क्वालिटी ऑफ सिग्नल विच वी आर सेंडिंग टू द कस्टमर. राइट, तो ये क्वालिटी ऑफ सिग्नल को मेंटेन करने के लिए दिस बिकम्स वेरी एसेंशियल टू नो हाउ माय सिग्नल बिहेव्स व्हेन इट क्रॉसेस अ मीडियम, क्योंकि एक सेंडर से निकलने के बाद रिसीवर तक जाने तक बहुत सारे मीडियम जो है वो आपका सिग्नल जो है वो चेंज करता है. ठीक है, तो ये जो चेंज ओवर है मीडियम में, ये सिग्नल में क्या चेंज ओवर लाता है, इंफॉर्मेशन में क्या चेंज लाता है, दैट इज टू बी स्टडीड. राइट, तो ये सब्जेक्ट हमें इसी चीज का नॉलेज देता है कि हाउ एन इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल और एन इंफॉर्मेशन कैरिंग वेव बिहेव्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट. राइट,
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ. दिस इज दी आउटकम, इस सब्जेक्ट का आउटकम ये है, इस सब्जेक्ट से हमें ये ज्ञान मिलता है जो अभी हमने सीखा. क्या कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते समय व्हाट इज दी बिहेवियर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दी सिग्नल, राइट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दी सब्जेक्ट इज, राइट. अब देखिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, राइट. प्री रिक्विजिट्स मतलब पहले से हमें क्या आना चाहिए, राइट. तो देखिए प्री रिक्विजिट्स ऑफ दी सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, पहले से हमें कुछ कुछ आना चाहिए कि नहीं चाहिए. तो देखिए सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है, दैट इज क्लास 12th फिजिक्स. ठीक है, तो क्लास 12th का फिजिक्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट का जो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म जो हम बनाएंगे, बेस बनाएंगे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट के आउटकम तक पहुंचने के लिए, वो बेस बनता है इस फिजिक्स से. ठीक है, तो 12वीं क्लास में जो भी आपने फिजिक्स पढ़ा है दैट फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है तो दैट इज ऑल राइट. हम लोग इस पर्टिकुलर जो मेरा कोर्स है इसमें पूरा फिजिक्स भी रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है. तो वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलता जाएगा. आप देखेंगे कैसे हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को यूज करते सम हुए ही इस सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, राइट. तो ये सबसे पहला टूल है, क्लास 12th का फिजिक्स आपको आना चाहिए. आता है अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे पढ़ा देंगे, राइट. दूसरा देखिए, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है दैट इज वेक्टर एनालिसिस. ठीक है, आपको वेक्टर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है. मेरे इस चैनल पे जितने वीडियोस आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के, तो मैं ये वेक्टर रिव्यू भी आपको कराने वाला हूँ, राइट. तो बिल्कुल बिगिनर्स के भी काम आने वाले हैं यहाँ पे जितने वीडियोस आप देखेंगे. तो आप बस ये है कि सारे वीडियोस को फॉलो करते जाएं तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, राइट. तो वेक्टर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. बिकॉज जितनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पे, दे आर ऑल अंडर वेक्टर्स, राइट. वेक्टर्स के टर्म्स में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना. तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है. तो इंटीग्रल कैलकुलस भी आपको आना चाहिए. नहीं आता इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, वी विल डील विद द इंटीग्रेशन. जो भी इंटीग्रेशन की यूजेज होगा जहाँ जहाँ पर भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा उस पर्टिकुलर चीज का, और फिर आपको समझा भी दूंगा कि हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर टर्म. तो देखिए ये तो प्री रिक्विजिट्स है, राइट. अब देखिए कुछ की फीचर्स की ये सब्जेक्ट क्या क्या वेटेज है इसका, ठीक है. तो मैं पहले सब्जेक्ट का नाम यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, EMT के नाम से फेमस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है. देखिए ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट जो है दिस इज थॉरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, दिस इज अ थॉरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट. तो अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल न्यूमेरिकल वाला पेपर आने वाला है, ठीक है ना. एक भी क्वेश्चन आपको थ्योरी नहीं मिलने वाला है इसमें, राइट. इसका नाम जरूर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पर थ्योरी जैसा कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना. वी आर गोइंग टू गेट थॉरली न्यूमेरिकल पेपर, ठीक है. अब ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपको जनरलाइज्ड टर्म्स में पूछा हो, तो उसी जनरलाइज्ड टर्म न्यूमेरिकल को हम लोग कई बार डेरिवेशंस भी बोल देते हैं, ठीक है. तो यू मे कॉल इट डेरिवेशन, और हमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया है तब तो वो न्यूमेरिकल कहलाएगा ही, राइट. तो इधर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, राइट. यू आर गोइंग टू गेट दीज टू थिंग्स इन दिस सब्जेक्ट. नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी सिंगल डेफिनेशन और एनी गिव रीजन क्वेश्चन एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है.
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये थोरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग है, दिस इज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ये फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो नेचुरली आप 100 में से 100% भी ला सकते हैं, राइट। तो ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जस्ट इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स, बट यस सिंस इट इज अ बिट कंसेप्चुअल, कंसेप्ट्स बहुत सारे लगते हैं तो कई बार टफ हो जाता है ये सब्जेक्ट। ऐसा लोग बोलते हैं कि ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है आपके इंजीनियरिंग का, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बल्कि ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका पूरा बेस आप पढ़कर आ चुके हैं क्लास 12th में, तो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टफ सब्जेक्ट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट येस दिस इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। तो अगर आप बीच में कहीं पर लैग करते हैं, कंसेप्ट को मिस कर जाते हैं, कुछ स्किप करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दी यू नो डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट, राइट। तो कोशिश करिए कि स्टेप बाय स्टेप जो भी आउटलाइन है सब्जेक्ट का उसको फॉलो करते हुए चलिए, उसको फॉलो करते हुए पढ़िए और फिर ग्रेजुअली सीखिए चीज़ों को, प्रैक्टिस करिए एंड देन इम्प्लीमेंट देम, राइट। तीसरा देखिए, अगर हम बात करते हैं गेट की, ठीक है, तो तीन ब्रांचेज में ये पूछा जाता है गेट में, तीन डिफरेंट ब्रांचेज में ये पूछा जाता है। अगर आप डबल ई से अपीयर हो रहे हैं तो, अगर आप ई सी से अपीयर हो रहे हैं तो, और अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो तीन डिफरेंट ब्रांचेज को ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं डबल ई की, तो देखिए डबल ई में 4 to 6 marks इसका वेटेज है। अब कभी कभी 1 mark का भी आता है, 2 mark का भी आता है, तो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं आता। कभी कभी 7-8 marks का भी आ जाता है, तो वो बहुत एक्सेप्शनल ईयर्स हैं या एक्सेप्शनल पेपर्स हैं, बट यूजली ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 4 से 6 नंबर का ये आता है, ठीक है ना। लेकिन ईसी में, ईसी ब्रांच के अगर बच्चे हैं आप, तो 8 to 10 marks, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अगर आप हैं तो अगेन इट इज 6 to 8 marks, राइट। तो ये इसका गेट में वेटेज है, तो आपको दिख रहा होगा वेटेज भी अच्छा खासा है, ठीक है। और देखिए एक और चीज मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, कि ये जो सब्जेक्ट है भले ही ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच को 4 to 6 marks का आ रहा है, लेकिन अगर एक बार आप इस सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं तो एक अंदर से स्ट्रेंथ आपको मिलता है, राइट। ये सब्जेक्ट का थोरली आपके दिमाग में बैठ जाना बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपको डील करने में आसानी देगा। मशीन्स, पावर सिस्टम, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो इन दोनों में कई जगह ऐसे कंसेप्ट आएंगे जहाँ पे ईएमटी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कंसेप्ट आप डायरेक्टली लगा रहे होंगे वहाँ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसका यूटिलिटी आपके कोर सब्जेक्ट्स में ही भी है, राइट। दूसरे जो ईसी ब्रांच है, जैसे ईसी ब्रांच का भी ये कोर सब्जेक्ट है, वेव प्रोपगेशन, एंटीना एंड वेव, ठीक है। तो एंटीना एंड वेव का बेस है ये सब्जेक्ट, राइट। तो इसीलिए ईसी ब्रांच के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, मैंने बोला भी आउटकम भी है ये सब्जेक्ट का, क्या सिग्नल्स की कंडीशनिंग जो हम लोग करते हैं बीइंग अ कम्युनिकेशन इंजीनियर, तो वहां पर अपने को काम आता है, राइट। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में भी पूछा जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में 80% जो सिलेबस है वो डबल ई और ईसी ब्रांच का मिला हुआ है, तो वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है और अच्छा खासा परसेंटेज है इसका। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के गेट के पेपर उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको ईएमटी का पार्ट मिलेगा। अभी वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है गेट 2021 से, तो 2021 के पेपर में ईएमटी लगभग 5-6 नंबर का आया था, लेकिन आने वाले समय में ये जो रेंज है ये बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिएगा आप कि गेट के पेपर में भी इसका काफी वेटेज है, ठीक है। तो देखिए हम जो इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, इस कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है, मैं आपको एक बार आउटलाइन बता देता हूँ सब्जेक्ट की। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि वेक्टर एनालिसिस इज अ यू नो प्री रिक्विजिट, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रिव्यू ऑफ
वेक्टर्स, राइट, वेक्टर्स का एक रिव्यू पढ़ेंगे, पूरा थॉरो रिव्यू, ठीक है, बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट के लिए, इसलिए। दूसरा देखिए, दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, अब आप, मैं नाम लिखूंगा तो आपका सब याद आता रहेगा क्योंकि ये सब क्लास 12th में आप सुन चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स, ये बिल्कुल मोटा मोटा मैं यूनिट्स के नाम लिख रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देखिए इसमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये मैंने पांच मेजर पार्ट्स में इसको कहते हैं ब्रेक कर दिया है सब्जेक्ट को, वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है आपको, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा, फिर मैग्नेटिक फील्ड पूरा, फिर मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फाइनली। तो ये इसका एक आउटलाइन है, तो इसी सीक्वेंस में अपने को पढ़ना है। और देखिए ये जितने पार्ट मैंने लिखे हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड मीन्स आप ये जब पढ़ेंगे उसके बाद ही आप यहाँ पे एंटर होंगे, फिर ये पढ़ेंगे तो उसके बाद ही, ऐसा नहीं है कि आप सीधे यहाँ से शुरू कर दें, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू फॉलो दिस आउटलाइन, राइट। इस आउटलाइन को आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। तो हम भी अपने इस मेरा जो कोर्स है इसमें आपको सारे वीडियोस इसी आउटलाइन में मिलने वाले हैं, तो होप आप इस कोर्स को एंजॉय करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल रखूं इस चीज़ को, इस कोर्स को जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दे सकूं उतना मेरा प्रयास रहेगा। बाकी आप भी अपने जो व्यूज़ हैं, जो कमेंट्स हैं, वो बिल्कुल शेयर करिए, ठीक है। आपको जो भी लगता है कि ये चेंज होना चाहिए इस कोर्स में, ये एड ऑन होना चाहिए, ये डिलीट होना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और इन वीडियोस को जितने ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाएंगे तो सबका बेनिफिट होगा इससे, ठीक है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।